ये आइडिया मैंने बस पिंटरेस्ट पे देखा था। एक बटरफ्लाई लैम्प था, और मीन्स एक लैम्प था, उसके अराउंड वायर्स का एक नेट था जिसके ऊपर बटरफ्लाईज थे, और हमको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो हम सोचे कि हम खुद इसको ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कैसा बनता है। ओके ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप लोग को चाहिए होगा थोड़ा क्राफ्ट पेपर। आप अपने कलर का कोई भी फेवरेट सा क्राफ्ट पेपर ले सकते हैं। क्राफ्ट पेपर हमें लगेगा बटरफ्लाई का शेप कट करने के लिए। इसके साथ हमें चाहिए ये है क्राफ्ट वायर। ये आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएगा। ये दो कलर में मिलता है, सिल्वर और गोल्डन। तो आप जिस तरह का लैम्प बना रहे हैं, अगर आप एक गोल्डन लैम्प जैसे टंगस्टन का बल्ब अगर ले रहे हैं, तो उसके लिए आई प्रेफर कि आप गोल्डन वायर लीजिए। और अगर आप एक एलईडी लैम्प के लिए बना रहे हैं, तो जिसका वाइट लाइट होता है, तो उसके लिए सिल्वर वायर लीजिए। और इसके साथ हमें चाहिए होगा एक ब्लैक जेल पेन। अगर आपके पास ब्लैक मार्कर है या परमानेंट सीडी मार्कर्स है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा वो वाला ख़त्म हो गया, तो अभी ब्लैक जेल पेन से ही काम चलाएंगे। इसके साथ आपको चाहिए एक पेंसिल, एक पेयर ऑफ सिज़र और थोड़ा सा डबल साइडेड टेप। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है, तो आप हॉट ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास हॉट ग्लू गन भी नहीं है, तो फिर आपको शायद फेविक्विक का यूज़ करना पड़ेगा, सुपर ग्लू। लेकिन उससे काम करना थोड़ा रिस्की होता है, उंगली सट जाती है, इसलिए बी अवेयर। ओके सो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग को ढेर सारे बटरफ्लाई कट करने हैं। ढेर सारे से मेरा मतलब है लिटरली ढेर सारे, एटलीस्ट मोर देन 20, 25 या 30 के अराउंड तो बटरफ्लाई लगेगा ही। तो बटरफ्लाई कट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने क्राफ्ट पेपर को फोल्ड करें। ये एक A4 साइज का पेपर, इसको आप फोल्ड करिए, और इससे एक छोटा सा सेक्शन जो है हम लोग कट करेंगे। तो मैं हर बटरफ्लाई के लिए एक 8 सेक्शन का यूज़ करती हूँ। 8 सेक्शन यानी ये मैंने दूसरी बार फोल्ड किया, और ये मैंने तीसरी बार फोल्ड किया। इससे मुझे मार्क मिल गए हैं इस पेपर पे, जब इसको खोलेंगे तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। हर पार्ट से मेरा एक बटरफ्लाई बन जाएगा। अभी मैं आपको एक पार्ट से बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये अपने एक सेक्शन को रफली कट कर लें। ये प्रोजेक्ट बहुत इजी है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट बहुत सुंदर होता है। जैसा कि मैंने देखा है, पता नहीं मेरा वाला सुंदर बनेगा या नहीं, तो देखते हैं। ठीक है, ये आपने एक सेगमेंट कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको आधे में फोल्ड करना है। इसको आधे में फोल्ड करने के बाद आपको एक पेंसिल लेना है, और बटरफ्लाई का हाफ स्केच ड्रॉ करना है। अगर आपको बटरफ्लाई का हाफ स्केच ड्रॉ करने नहीं आ रहा, तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। गूगल पे आप करिएगा बटरफ्लाई आउटलाइन, और इमेजेस में क्लिक कीजिएगा, तो आपको बहुत सारे ऐसे शेप्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने भी गूगल का ही हेल्प लिया था, तो मैं भी इस शेप को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। इसके लिए आपको बस पहले एक बटरफ्लाई का बॉडी बना लेना है, और उसको विंग्स बनाने हैं। आप जिस भी शेप का बटरफ्लाई चाहते हैं, आप उस शेप का बटरफ्लाई को बना सकते हैं। ये इसको इतना एग्जैक्ट होने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, रफली मैंने एक शेप कट कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन एलिमेंट भी डाल सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल को थोड़ा ठीक करके आप अपने रफ एस्टिमेशन ले सकते हैं। जब बटरफ्लाई का शेप आप बना ले, तो उसको फिर कट कर ले। ये कुछ ऐसा हो गया, ये कट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको खोल के देखते हैं, मेरे ख्याल से ये हिस्सा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बट देखते हैं। और ये हमारी बटरफ्लाई ऐसी लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम सारे बटरफ्लाईज कट कर लिए, रुके आप लोग को दिखाते हैं। ये काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे। मेरा टारगेट है 25 का, बट फिलहाल तो मेरे पास बस इतने ही हैं। हम काफ़ी सारे हो रहे, क्योंकि इसको कट करने में हमको बहुत टाइम लगा है। ये टोटल 18 बटरफ्लाइज है, और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं,
ये एक बटरफ्लाई को मैंने पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। ये एक्स्ट्रा काम है, आपको नहीं करना तो आप सीधे प्लेन सा बटरफ्लाई यूज़ कर सकते हो, प्लेन वाला बटरफ्लाई ये रहा। ये दोनों में डिफरेंस यही लगेगा, थोड़ा एक लेवल ऊपर लगेगा, एक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मेहनत पे डिपेंड करता है। और मैंने बस इसका एक साइड किया, मुझे इसका दूसरा साइड भी करना है। और ये मैं कैसे करती हूँ, जेल पेन लेके, एक जेल पेन लेके, गिर गया एक मिनट, तो ये उठा लिए। जेल पेन लेके आपको क्या करना है, इस पर मार्क ड्रॉ करना है, जैसे हम इस पर ड्रॉ करके रखे हैं। और जिस एरिया को आपको ब्लैक करना है, उस एरिया में आपको स्केच पेन या फिर आप कोई भी कलर यूज़ करके उसको कलर कर सकते हो। ये पैटर्न ड्रॉ करना काफ़ी आसान है, बस बटरफ्लाई का बीच का स्केच और साइड में नेट आपको ड्रॉ कर देना है, और साइड में जो ये बड़े बड़े पार्ट्स है उसको ब्लैक कर देना है। तो ये करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये बहुत प्रिटी लगता है। तो मुझे अभी 18 बटरफ्लाइज पे ये काम करना है, तो वो करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। सी या, वेलकम बैक एवरीवन। और अब हम जो है सारे बटरफ्लाइज को पेंट कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट। वो बैकग्राउंड में है, वो बहुत हेल्प की मेरा पेंटिंग करने में। तो ये सारे बटरफ्लाइज अब पेंट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम आप लोग को लैम्प दिखाते हैं जिसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये है वो लैम्प, इसका होल्डर पेंट करके रखे है ब्लैक, इसी के अराउंड हमको लैम्प बनाना है अपना बटरफ्लाई वाला। तो इसके लिए अभी इसको ड्राई होने के लिए रखते हैं, पेंट थोड़ा वेट है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये क्राफ्ट वायर को लेना है। एक क्राफ्ट वायर को खोल लेंगे, ये यहाँ पे खुला हुआ है, और इसको एक सर्कल में रफली लैम्प के अराउंड एक आप रफ सर्कल ले लीजिए, और इसको ऐसे करके रैप कर देना है। ये और एक लूप है और ये एक लूप है। अब इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक थर्ड वायर से, पता नहीं कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, बस करेंगे, बाहर जा रहा है। ये कनेक्ट कर दिए, ये दोनों लूप कनेक्ट हो गए। अब ये थर्ड वायर से हम जो है इसको एक ऐसे करके लूप बनाएंगे। बेसिकली आपको एक डेट तैयार करना है अराउंड योर लाइट बल्ब, तो आप ये एक बलून के मदद से कर सकते हैं, लेकिन मुझे बलून यूज़ नहीं करना था तो मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ, बस एक नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इसको भी यहाँ से जॉइंट करूँगी। इसके लिए एक और वायर लेंगे, यहाँ लेके इसको जॉइंट कर दिए। अब ये ऐसा दिख रहा है। अब ये वायर को इसके चारों तरफ ऐसे गोल एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। धीरे धीरे हम लोग का सर्कल जो है वो बन रहा है ना पैर, बनाते बनाते बन जाएगा, इसलिए हम सोच के नहीं करते ज़्यादा। ओके गाइस, तो ये मेरा नेट वाला जो बॉल है ये बन गया है, और इसमें हम एक काम किए हैं, जहाँ से हमको बल्ब अटकाना था वहाँ पर हम एक वायर से थोड़ा ज़्यादा वेब कर दिए हैं, ताकि यहाँ से मेरा जो बल्ब है वो अटक जाए, और बाकी सारी जगह पर बहुत ज़्यादा गैप है जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना बल्ब लेंगे और इसको अंदर डालेंगे। ये इधर से निकल भी रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है, और बल्ब का ना अभी तक वायर से कनेक्शन नहीं किए हैं, मतलब इसमें प्लग नहीं लगाया है, तो अभी ये बस वायर है। तो इस वायर को हम ये ऊपर में जो छोटा जगह है वहाँ से निकाल देंगे, और जब वायर निकालेंगे तो शायद मेरा बल्ब जो है वो अटक जाएगा, देखते हैं। और ये देखिए, होप आप लोग को दिख रहा है,
ये बल्ब जो है अच्छे से अंदर अटक गया है। इसका एक फ्रंट व्यू आपको दिखा देंगे कि लग कैसा रहा है। तो ये बल्ब अटकने के बाद ऐसा लगता है। अब जो है हम क्या करेंगे, हॉट ग्लू गन लेंगे और इन पूरे ये को बटरफ्लाई से डेकोरेट करेंगे। हम ज़्यादा बटरफ्लाई बना नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। आप चाहे तो प्रिंट करके प्रिंट आउट बटरफ्लाईज लगा सकते हैं। थैंक यू हेल्प के लिए। अब हम लोग बटरफ्लाई चिपकाते हैं और एंड रिजल्ट देखते हैं कि कैसा बनता है। इसका असली मज़ा तो अंधेरे में देखने में ही होगा, बट जहाँ पे मेरा ज़्यादा मतलब वायर्स का मेस है ना, वहाँ पर बटरफ्लाई लगा रहे हैं ऐसे। आप लोग को दिखा क्या? हाँ दिखा। आज हम दूसरी जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए लाइटिंग और कैमरा एंगल दोनों थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। येलो लगाते हैं यहाँ पे। ये सारे बटरफ्लाईज हैंड पेंटेड है और स्पेशल थैंक्स टू पायल जो मेरा हेल्प की। बस ऐसे करके, आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप डबल साइडेड टेप से इसको अटैच कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, हम बल्ब चेंज कर दिए। वो बल्ब बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा ब्राइट था, इसमें लो पावर का बल्ब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक नाइट बल्ब लगाए हैं और ये अभी ऐसा दिख रहा है। ये रोशनी में तो उतना सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन आप लोगों को एक मैजिक दिखाते हैं। अंधेरा कर दिया जाए, कर अंधेरा कर, और ये ऐसा दिखता है। ये कितना सुंदर लग रहा है। हम आप लोगों को पूरा 360 का व्यू दिखा रहे हैं। मेरा कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है इसलिए ये नाइट का पूरा कलर पिक नहीं कर पा रहा, लेकिन सच बोल रहे हैं अंधेरे में वो येलो बटरफ्लाई और पिंक बटरफ्लाई इतनी सुंदर लग रही है। थोड़ा सा रोशनी करते हैं। इस रोशनी में आप लोगों को कलर भी दिख रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा